हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। आज हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 9 इंग्लिश मूवमेंट बुक का चैप्टर 8, अ हाउस इज नॉट अ होम के क्वेश्चन आंसर। अभी कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही हूँ, बिकॉज मेरी ट्रेनिंग चल रही है, तो जिसकी वजह से मेरे को टाइम नहीं मिलता वीडियो रिकॉर्ड करने का। बट आज संडे था, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द ऑथर नोटिस वन संडे आफ्टरनून, वॉट इज़ हिज फर्दर रिएक्शंस, वॉट डज सी डू। तो फर्स्टली हम सब देखते हैं कि चैप्टर का जो नेम है वो है हमारा अ हाउस इज़ नॉट अ होम। जो हमारा हाउस है वो होम नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, हाउस और होम में डिफरेंस क्या है। होम जो होता है ना, वो हम लोग का खुद का जो घर होता है उसको हम सब होम बोलते हैं। लेकिन हाउस देखो, जैसे कि आपका हाउस है, ठीक है, आपके फ्रेंड है, आपके चाचा जी हैं, आपके बड़े पापा हैं, आपके आस पड़ोस में सबके पास घर, ठीक है, वो हाउस है। लेकिन वो जो आप खुद का घर है ना, वो आपका होम होगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो उसमें बोला जा रहा है कि जो ऑथर है उसने संडे की आफ्टरनून को क्या नोटिस किया और उसकी मदर का रिएक्शन क्या था और उनकी मम्मी ने क्या किया। आंसर है, वन संडे आफ्टरनून द ऑथर नोटिस दैट स्मोक प्योरिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ द सेलिंग, हिज मदर रैन आउट ऑफ द हाउस कैरिंग आउट अ स्मॉल मेटल बॉक्स फुल ऑफ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। तो संडे की आफ्टरनून को ऑथर ने नोटिस किया कि सीलिंग से जो है ना धुएं निकल रहे थे, और फिर उन्होंने अपनी मदर को बताया, तो उनकी मदर जो है ना घर से, जो घर में देखिए मेटल बॉक्स था छोटा सा, उसमें इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, तो वो उसको लेकर बाहर आ गई, ऑथर भी बाहर आ गया। सेकेंड क्वेश्चन है, वॉट डज ही ब्रेक डाउन इन टीयर्स आफ्टर द फायर। तो जो ऑथर था ना, वो जब आग जो है बुझ गई, तो फिर भी जो ऑथर था वो काफ़ी रो रहा था। तो रीज़न क्या था, तो रीज़न यह था कि ना, जो ऑथर के पास एक कैट थी वो मिसिंग थी, ठीक है। तो क्योंकि जब आग लगी तो उसकी मदर जो है एक मेटल बॉक्स लेकर बाहर आ गई, ऑथर भी बाहर आ गया, लेकिन जो उसकी कैट थी वो बाहर नहीं आई, और ये लोग उसको ढूंढने के लिए दोबारा जाए थे, बट आग काफ़ी ज़्यादा लग गई थी। होने पर भी इनको कैट की डेड बॉडी भी नहीं मिली अंदर, ये लोग काफ़ी डर गए थे कि कैट कहाँ पर है, उसको कुछ अता पता नहीं था। आंसर है, द ऑथर ब्रेक डाउन इन टीयर्स आफ्टर द फायर बिकॉज हिज कैट वॉज मिसिंग एंड ही थिंक दैट शी मे बी बर्न इन फायर। ऑथर जो था वो रो रहा था बिकॉज वो उसकी जो कैट थी वो मिसिंग थी, और वो सोच रहा था कि जो कैट है ना वो आग में जल गई। थर्ड क्वेश्चन है, वॉई इज़ द ऑथर फुल ऑफ रिमोर्स द नेक्स्ट डे इन स्कूल, वॉट वर्ड्स सो हिज फियर एंड इनसिक्योरिटी। जो ऑथर था वो उसने पहले ही वो अपने स्कूल को चेंज किया था, तो वैसे ही वो, तो उसकी जो फीलिंग्स थी वो इनसिक्योर थी, ठीक है, वो बहुत डरा डरा रहता था। और फिर बाद में ये हो गया कि घर में आग भी लग गई थी, तो उसके पास ना यूनिफॉर्म थे ना बुक्स थे, ठीक है, तो वो जिसके यहाँ रुका था आंटी के यहाँ, तो उनसे शूज़ बोरो करके पहन के गया था, तो वो स्कूल की यूनिफॉर्म भी नहीं थी, बिकॉज उसके पास उसने जो इवनिंग में जो यूनिफॉर्म पहनी थी आफ्टरनून में, वही ड्रेस सेम कपड़े पहन के वो स्कूल गया था, ठीक है। तो ऑथर जो था वो और भी अच्छा फील नहीं कर रहा था, ठीक है, रिमोर्स फील कर रहा था। आंसर है, ही वॉज डीपली एम्बेरिस्ड, ठीक है, यहाँ पर आप ऑथर का नेम, ठीक है, लिख लीजिएगा, ही वॉज डीपली एम्बेरिस्ड एट द नेक्स्ट डे एट द स्कूल। जो ऑथर था वो काफ़ी एम्बेरिस्ड फील कर रहा था स्कूल जाने के लिए अगले दिन, बिकॉज ऑफ द स्टेट इन विच ही वॉज, द क्लॉथेस ही वॉज वेयरिंग लुक्ड ऑड, ही हैड नो होमवर्क और बुक्स एंड इज इन फायर, ठीक है। जो ऑथर था उसके घर में आग लग गई थी आफ्टरनून में, तो नेक्स्ट डे जब उसको स्कूल जाना था ना, उसके पास शूज़ थे ना, उसके पास यूनिफॉर्म थी, और वो जो कपड़े पहने थे ना वो घर के कपड़े थे, तो काफ़ी ऑड लग रहा था उसको, और उसके पास ना होमवर्क था ना बुक थी, ठीक है, ना ही उसका बैकपैक था, तो वो सभी जो है जल गए थे फायर में। फोर्थ क्वेश्चन है, द कैट एंड द ऑथर आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर, हाउ हैज़ दिस बीन शो इन दिस स्टोरी, वेयर वॉज द कैट आफ्टर द फायर, हु ब्रिंग इट बैक एंड हाउ। तो जैसे कि आप इस स्टोरी पढ़ोगे तो उसमें पता चलेगा, जो ऑथर और कैट है ना, वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चाहते थे, वो एक साथ खेलते थे, सोते थे, ठीक है, पढ़ते थे। लेकिन इस स्टोरी में आपको बताया गया है, वो आप देखिएगा, इसमें पूछा गया है कि जो कैट है वो फायर के बाद वो कैट कहाँ पर थी और उसको कौन वापस लेकर आया था और कैसे। आंसर है, द कैट एंड द ऑथर वर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर, द ऑथर सेड दैट द कैट वॉज नेवर
फार फ्रॉम हिम। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो ऑथर थे और कैट थी वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चाहते थे, उनको एक दूसरे को पसंद करते थे, वो साथ में ही सोते थे, खाते पीते थे, ठीक है, पढ़ते भी थे। और फिर जो ऑथर था वो कह रहा था कि जो कैट है वो मेरे से कभी दूर नहीं जा सकती है, क्योंकि उसने उसको एज अ किटन के रूप में उसको पाला था। जब वो छोटी बिल्ली थी, किटन मतलब जो बेबी होता है, ठीक है, कैट का, उसको किटन बोलते हैं, तब से उसको पाल रखा था। द कैट रैन ओवर अ माइल अवे व्हेन द हाउस वॉज इन फायर। जब घर में आग लगी थी ना, तो जो कैट थी वो काफ़ी दूर दौड़ के चली गई थी। अ स्ट्रेंजर लेडी ब्रॉट इन बैक एज देयर वर फोन नंबर रिटन ऑन द कॉलर ऑफ द कैट। तो एक स्ट्रेंजर लेडी थी, उसने जो है कैट को वापस लेकर आया, बिकॉज जो कैट के जो नेक थी उसके कॉलर में जो है फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। फिफ्थ क्वेश्चन है, वॉट एक्शंस ऑफ द स्कूल में चेंज द ऑथर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड पीपल एंड कम्फर्ट हिज इमोशनली। हाउ डज हिज लोनलीनेस वैनिश एंड हाउ डज ही स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो ऑथर था उसको अपना पहले वाला स्कूल काफ़ी पसंद था, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स थे, टीचर्स जो उसको सपोर्ट करते थे, लेकिन इस स्कूल में उसके अभी कोई फ्रेंड्स भी नहीं बने हुए थे। ठीक है, नया नया स्कूल था तो उसको काफ़ी और सा फीलिंग हो रहा था। ठीक है, वो खुद को इनसिक्योर फील कर रहा था। लेकिन फिर जब इसके घर पर आग लगी थी, तो अगले दिन जब ये स्कूल गया था, तब उनकी जो बैचमेट्स थे, जो टीचर्स थे, उनके रिएक्शन क्या थे, इन्होंने कैसे इनकी हेल्प की, ठीक है, इनकी लोनलीनेस कैसे इन्होंने ख़त्म किया, और ये देखते हैं। आंसर है, द स्कूल मेट्स ब्रॉट ऑफ स्कूल सप्लाइज नोटबुक ऑल काइंड ऑफ डिफरेंट क्लॉथेस फॉर द ऑथर। दे इन्वाइट हिम टू दियर हाउसेज, ही मेड न्यू फ्रेंड्स एंड हिज लोनलीनेस वैनिश एंड ही स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन लाइफ। तो देखो, जैसे कि जब ऑथर स्कूल गए थे ना, इसके पास बुक्स भी नहीं थे, ना होमवर्क थी, कुछ भी नहीं थे इसके पास, ठीक है, क्योंकि वो सब जल गए थे। जो इनके स्कूल मेट्स थे उन्होंने क्या किया ना, पैसे इकट्ठा करके इनके लिए न्यू बुक्स जो है, यूनिफॉर्म और डिफरेंट काइंड के क्लॉथेस जो थे वो सब इनको दिए, ठीक है। और फिर उन्होंने इनको अपने घर पे इनवाइट किया, तो इनके न्यू फ्रेंड्स बने, तो ऐसे ही इनकी जो लोनलीनेस थी वो ख़त्म हो गई और इनके बहुत सारे फ्रेंड हो गए और अपनी लाइफ अच्छे से जीने लगे। सिक्स्थ क्वेश्चन है, वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ माई कैट वॉज बैक एंड शो वॉज आई, हैड द ऑथर गोन एनीवेयर, वाई डज ही शे दैट ही इज ऑल्सो बैक। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि जब मेरी बिल्ली वापस आ गई तो मैं भी आ गया, ठीक है, मैं भी आ गया था। तो आपको ये सब बताना है इस स्टोरी के रिलेटेड। तो आंसर है, इट मीन्स डैट द ऑथर हैज़ फाउंड हिज कैट बैक। इसका मतलब यह है कि जो ऑथर है उसको अपनी बिल्ली वापस मिल गई थी, एंड ही ऑल्सो कम आउट फ्रॉम द फीलिंग ऑफ लॉस एंड ट्रेजडी, और इसी वजह से वो उसके पास जो उसकी मेमोरीज थी, ठीक है, पुरानी पास्ट की मेमोरीज थी घर जलने की, और जो उसका जो ये घटने हुई थी, ठीक है, वो इन सबसे बाहर आया। ही सेड दैट ही इज़ ऑल्सो कम बैक बिकॉज फ्रॉम फाइंडिंग हिज कैट बैक He come out of the feeling of loss and tragedy. और फिर जैसे कि उसने उसको बिल्ली मिल गई और उसके काफ़ी सारे नए नए फ्रेंड्स बन गए, ठीक है, तो उसकी जो लॉन्लीनेस थी वो भी ख़त्म हो गई, और फिर इन सभी चीज़ों के आने से जो उसकी जो फीलिंग थी नुकसान होने की, घर पे ये नुकसान हुआ, ठीक है, और इस घटना के से रिलेटेड उसके पास जो भी उसके दिमाग में चल रहा था, तो वो इन सभी चीज़ों से बाहर आया, क्योंकि उसकी वजह क्या थी, इसको जो है इसकी कैट मिल गई थी वापस, और इनका जो घर था वो रिपेयर हो रहा था, ठीक है। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दी वीडियो।